नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, अगस्त के महीने की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है एंड आपको आज बताऊंगा हमेशा की तरह टॉप 20 में कौन कौन सी कंपनीज रही है। पहले आपको बताऊंगा टॉप 10 के बारे में, फिर आपको बताऊंगा 11 to 20 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टॉप 10 के बारे में जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में टोटल कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं। तो 31 अगस्त की रात 9 बजे तक जो टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं उनका नंबर है दोस्तों 59,313। एंड वहीं अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके थे 54,498। तो टोटल 9% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहां पर देखी गई है एंड 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर देखी गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों टॉप 10 के बारे में। तो मैं 10th नंबर से शुरू करूंगा। नंबर 10th पर है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक ने अगस्त के महीने में 765 यूनिट सेल की है। जुलाई के महीने में इन्होंने 779 यूनिट सेल की थी। जुलाई में 8वें नंबर पर थे, इस बार 10वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। कहां ये कंपनी पहले दूसरे नंबर पर रहा करती थी एंड अब 10वें नंबर पर ये कंपनी पहुंच चुकी है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो -2% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। नंबर 9 पर है दोस्तों बिगोस ऑटो। बिगोस ऑटो ने अगस्त में 888 यूनिट सेल की है। जुलाई में इन्होंने 661 यूनिट सेल की थी। जुलाई में नंबर 10 पर थे, इस बार नंबर 9 पर आ पहुंचे हैं। 34% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहां पर देखी गई है। 8वें नंबर पर है हीरो मोटोकॉर्प का वीडा। तो हीरो मोटोकॉर्प वीडा ने अगस्त में 901 यूनिट सेल की है। जुलाई में इन्होंने 990 यूनिट सेल की थी। जुलाई में 7वें नंबर पर थे, इस बार एक पायदान नीचे गिर गए हैं, 8वें नंबर पर आ पहुंचे हैं। क्योंकि वीडा ने अगस्त में जुलाई से कम यूनिट सेल की है तो इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ -9% की रही है। 7th नंबर पर है ओकाया ईवी। ओकाया ईवी ने अगस्त में 1101 यूनिट सेल की है। जुलाई में इन्होंने 785 यूनिट सेल की थी। जुलाई में 9वें नंबर पर थे एंड इस बार दो पायदान ऊपर आ गए हैं, 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 40% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहां पर देखी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। 6th नंबर पर है ओकिनावा ऑटोटेक। ओकिनावा ने अगस्त में 1953 यूनिट सेल की है। जुलाई में इन्होंने 2263 यूनिट सेल की थी। जुलाई में 5वें नंबर पर थे, इस बार 6ठे नंबर पर जा पहुंचे हैं एंड इस बार -13% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी गई है जो कि नेगेटिव में है। 5वें नंबर पर है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, जिसके एम्पियर स्कूटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने अगस्त में 3575 यूनिट सेल की है। जुलाई में 3572 यूनिट सेल की थी। 6 नंबर पर थे जुलाई में, इस बार है 5th नंबर पर, एक पायदान ऊपर आ पहुंचे हैं। मगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो कुछ खासी ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिली है, 0% मैं इसको कहूंगा, क्योंकि सिर्फ 3 व्हीकल्स इन्होंने ज्यादा बेचे हैं जुलाई के मुकाबले अगस्त में। 4th नंबर पर है बजाज ऑटोज। बजाज ऑटोज ने अगस्त में 6167 यूनिट सेल की हैं। जुलाई में 4116 यूनिट सेल की थी। जुलाई में भी 4th नंबर पर थे, इस बार भी 4th नंबर पर है एंड करीब 35% की मंथ ऑन मंथ यहां पर ग्रोथ देखी गई है। 3rd नंबर पर है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने अगस्त में 6835 यूनिट सेल की हैं। जुलाई में 6671 यूनिट सेल की थी। जुलाई में 3rd नंबर पर थे, इस बार भी 3rd नंबर पर है एंड 2% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी गई है। नंबर 2 पर है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स ने अगस्त में 14,584 यानी कि 14,884 यूनिट सेल की हैं। जुलाई में 10,383 यूनिट सेल की थी। नंबर 2 पर थे जुलाई में भी, पहले काफ़ी लंबे समय से नंबर 2 पर ये बने हुए हैं। 40% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी गई है। नंबर 1 पर है एज यूजुअल ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त के महीने में 17,389 यूनिट सेल की है। जुलाई में इन्होंने 19,389 यूनिट सेल की थी। जुलाई में भी नंबर 1 पर थे, इस बार भी नंबर 1, हमेशा की तरह नंबर 1 पर ही बने हुए हैं। -10% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेकिन यहाँ पर देखी गई है, तो नेगेटिव ग्रोथ इस बार रही है ओला की। तो टॉप 10 में तो दोस्तों इस बार वही सारी कंपनीज हैं जो जुलाई के महीने में भी थी। इनके नंबर ऊपर नीचे जरूर हुए हैं लेकिन टॉप 10 से कोई भी कंपनी बाहर नहीं गई है। लेकिन मुझे हीरो इलेक्ट्रिक ने जरूर चौंकाया है। मुझे लगता है कि अगली बार टॉप 10 से बाहर ये कंपनी जा सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे 11 to 20 की, कौन कौन सी कंपनीज 11 से 20 नंबर के बीच में रही है। 11 नंबर पर है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन यानी कि जॉय ई बाइक्स। अगस्त के महीने 507 यूनिट्स बेची हैं। जुलाई के महीने में 458 यूनिट्स बेची थी एंड जुलाई के महीने में 13वें नंबर पर थे, इस बार दो पायदान ऊपर आ चुके हैं, 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 10% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी गई है। 12वें नंबर पर है रिवोल्ट मोटर्स। रिवोल्ट मोटर्स ने अगस्त के महीने में 482 यूनिट सेल की हैं।
जुलाई में 484 यूनिट सेल की थी, जुलाई में भी 12वें नंबर पर थे, इस बार भी 12वें नंबर पर है। एंड 0% की ग्रोथ यहां पर देखी गई है क्योंकि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सिर्फ 2 यूनिट्स कम बेची है इन्होंने। 13वें नंबर पर है प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी ने अगस्त के महीने में 479 यूनिट सेल की है, जुलाई के महीने में 516 यूनिट सेल की थी, जुलाई में 11वें नंबर पर थे, इस बार 2 पायदान नीचे आ चुके हैं, 13वें नंबर पर पहुंच चुके हैं प्योर एनर्जी। एंड -7% की मंथ ऑन मंथ नेगेटिव ग्रोथ यहां पर देखी गई है। 14th नंबर पर है KLB कोमाकी। तो KLB कोमाकी ने अगस्त में 417 यूनिट सेल की हैं, जुलाई में 363 यूनिट सेल की थी, जुलाई में भी 14th नंबर पर थे, इस बार भी 14th नंबर पर है, 15% की पॉजिटिव ग्रोथ लेकिन यहां पर देखी गई है। 15th नंबर पर है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी। काइनेटिक ग्रीन ने अगस्त में 377 यूनिट सेल की हैं, जुलाई में 232 यूनिट सेल की थी एंड जुलाई में 15th नंबर पर थे, इस बार भी 15th नंबर पर है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में इन्होंने 62% की ग्रोथ दिखाई है, तो 62% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहां पर रही है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी की। 16वें नंबर पर है बेटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगस्त के महीने में 282 यूनिट्स इन्होंने सेल की हैं, जुलाई के महीने में 135 यूनिट सेल की थी एंड आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में ये टॉप 20 से बाहर थी, तो कोई नंबर इनका नहीं था एंड 108% की पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर दिखाई है बेटर इलेक्ट्रिक ने, जो कि काफी अच्छा काम इन्होंने किया है। 17वें नंबर पर है क्वांटम एनर्जी। 266 यूनिट सेल की है अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में 218 यूनिट सेल की थी, 18वें नंबर पर थे एंड इस बार 17वें नंबर पर आ पहुंचे हैं, 22% की पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर दिखाई है मंथ ऑन मंथ। 18वें नंबर पर है गोरिन ई मोबिलिटी। अगस्त के महीने में 230 यूनिट्स इन्होंने सेल की हैं, जुलाई के महीने में 232 यूनिट सेल की थी, जुलाई में 16th नंबर पर थे, इस बार 18th नंबर पर आप पहुंचे हैं एंड दोस्तों 0% की ग्रोथ यहां पर भी देखी गई है क्योंकि सिर्फ 2 यूनिट्स कम बेची हैं पिछले महीने के मुकाबले। 19वें नंबर पर है इलेक्ट्रिक्स ईवी। तो इलेक्ट्रिक्स ईवी ने अगस्त के महीने में 207 यूनिट सेल की है, जुलाई के महीने में 151 यूनिट सेल की थी एंड आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में ये कंपनी भी टॉप 20 से बाहर थी, 37% की पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है इलेक्ट्रिक्स ईवी की तरफ से। एंड लास्ट यानी कि 20th नंबर पर है आईवूमी इनोवेशंस। तो आईवूमी ने अगस्त में 164 यूनिट सेल की है, जुलाई में 227 यूनिट सेल की थी, जुलाई में 17th नंबर पर थे, इस बार 3 पायदान नीचे आ चुके हैं एंड -28% की नेगेटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगस्त के महीने में टॉप 20 में कौन कौन सी कंपनीज रही हैं एंड आपको बता दूं कि 22 मोटर्स एंड बैंडलिंग इंडिया इस बार टॉप 20 से बाहर जा चुकी हैं एंड मुझे इस बार जो सबसे ज्यादा चौंकाया है हीरो इलेक्ट्रिक ने। टॉप 10 में 10th नंबर पर हीरो इलेक्ट्रिक आ पहुंची है, कहां ये पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर रहा करती थी एक समय में एंड अब टॉप 10 में भी 10th नंबर पर आ पहुंची है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक ये टॉप 10 से भी बाहर चली जाएगी। आपका कौन सी कंपनी ने इस बार सबसे ज्यादा चौंकाया है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।